मैं भी यश राजेश केक मेरे यूट्यूब केक चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आज देख सकते हैं रसमलाई केक डबल इसको स्टेप में स्क्वायर में बनाने जा रहे हैं। आज का रसमलाई केक बनाने जा रहे हैं स्क्वायर में, डबल स्टेप का रसमलाई केक बनाएंगे। आपको रसमलाई केक का पूरे रेसिपी आज हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। देख सकते हैं रसमलाई का रस जितने हैं स्पंज में भिगोना है अच्छी तरीके से ताकि स्पंज में पी ले। इसके बाद आगे का प्रोसेस हम बताएंगे। पहले हम रसमलाई का रस अच्छी तरीके से स्पंज में मिक्स करेंगे। देख सकते हैं सारे रसमलाई में स्पंज में रसमलाई का रस यूज कर दिए। अब ये हमारा रसमलाई है, इसको अच्छी तरीके से हम पहले बारीक कर लेंगे। इसके बाद इसमें क्रीम हम यूज करेंगे, आपको हम जानकारी देते चलते हैं। देख सकते हैं हमारा क्रीम तैयार हो रहे हैं, इसमें ये हम क्रीम तैयार कर रहे हैं। पहले देख सकते हैं हमारा क्रीम तैयार रेडी होके तैयार हो गया। अब हम इसको देख सकते हैं अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें क्रीम को और रसमलाई को मिक्स करेंगे, बेस के ऊपर यूज करेंगे। देख सकते हैं अब हम नाइफ के मदद से अच्छी तरीके से हम इसके आइस लेयर लगाएंगे। इसके बाद हम आइसिंग करेंगे। देख सकते हैं भरपूर मात्रा में रसमलाई है, जो कोई खाए तो जैसे लगे हम रसमलाई खा रहे हैं। सारे प्रोसेस इसी तरीके से करेंगे। ये लास्ट वाले हैं, इसको भी इसी तरीके से हम नाइफ के मदद से आइसिंग करेंगे, लेयर लगाएंगे। इसके बाद एक दूसरे के ऊपर कवर करेंगे। देख सकते हैं इस तरीके से हम कवर कर लिए। इसके ऊपर भी हम दूध भी यूज करेंगे। चलिए हम वीडियो को थोड़ा बड़ा लंबा हो जाएंगे वीडियो, तो मैं थोड़ा रोक लेता हूँ, तब तक हम इसके कटिंग वटिंग कर लेते हैं। देख सकते हैं स्क्वायर में हम केक बनाने जा रहे हैं, कैसे क्या करेंगे इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देते चलेंगे। तो आई होप आशा करेंगे आप लोग को आज का स्क्वायर में रसमलाई केक कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। नए देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी केक का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं स्क्वायर में रसमलाई केक बना रहे हैं, 6 kg का केक है रसमलाई का, डबल स्टेप में स्टेन वाले केक बनाने जाएंगे। और स्टेन केक कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लास्ट में देखिएगा इसका बहुत ही बढ़िया लुक देखने को मिलेंगे। और बाकी आप लोग बताइएगा कैसा रहा रसमलाई केक का ऑर्डर आज का। ये साइडों में जो कंघी है, कंघी के मदद से हम एक्स्ट्रा क्रीम जो है वो हटा लेंगे। बाकी कैसे किए हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी देते चल रहे हैं, थोड़ा बताते भी चल रहे हैं। बाकी आप लोग वीडियो के माध्यम से देख के बना सकते हैं। तो थोड़ा वॉइस एडिट करने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है, इसके लिए आप लोग से हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं ना वहाँ पे बहुत वो है, तो इसके वजह से वो वॉइस सही से नहीं एडिट कर पाते हैं। बाकी आप लोग बता दीजिएगा कैसे है वॉइस में ही वीडियो डालूँ कि म्यूजिक में डालूँ, आप लोग बताइएगा, तो फिर उस हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे। बाकी आप लोग कमेंट करके बताते रहते हैं वॉइस में ही वीडियो एडिट किया करें,
तो इसके वजह से हम वॉइस में ज़्यादा वीडियो अब एडिट करने लगे, वॉइस देने लगे अपने वीडियो में। बाकी आप लोग बताइएगा। तो जैसे कि देख सकते हैं सेकंड हमारा केक है, इसके बाद हम हमारा ये केक का आइसिंग ख़त्म हो जाएंगे, इसके बाद हम डेकोरेशन करने की प्रक्रिया हम आपको बताएंगे। जैसे स्टार नोजल है, ये स्टार नोजल से पूरे कवर करना है इस केक के ऊपर, देख सकते हैं पूरे कवर करना है। बाकी डिजाइन आज का कैसा रहा आप लोग बता दीजिएगा, क्योंकि कस्टमर ही ने पर्सनल ऐसा ही डिजाइन हमको दिया है बनाने के लिए, तो क्या करें, बनाने पड़ा है, ऊपर में फोटो लगाना है। तो जैसे कस्टमर का डिमांड होते हैं उस तरीका से बनाने पड़ते हैं हमको केक। देख सकते हैं स्टार नोजल से पूरे इसको भी हम कवर करेंगे, जैसे मिकी माउस बनाते हैं उसी तरीका से इसको कवर करना है। ये हमारा अब बन के रेडी हो गए, अब हम इसके ऊपर स्टेन लगाएंगे, चार स्टेन लगाएंगे। अब रेडीमेड फ्लावर लगाएंगे, क्योंकि कस्टमर ने स्पेशल रेडीमेड फ्लावर के ही बोला था, तो रेडीमेड ही फ्लावर जैसे उस वीडियो में समझ लीजिए था उस फोटो में, वैसे सेम बनाए हैं, जैसे दिखाए थे फोटो दिए थे वैसे सेम बनाए हैं। बाकी आप लोग बताइए जो इस वीडियो में फोटो केक में कैसे करना था, आप लोग कमेंट करके बताइए। बाकी कस्टमर के डिमांड पे हमको ऐसा ही बनाने पड़ा है। ये भी फुल फ्लावर मेरे को मार्केट से लाने पड़ा, मार्केट से ला के हम फिर दिए हैं। बाकी आप लोग बताइए। अब इसके ऊपर हम फोटो लोगो लगा दिए,